गाइस, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फॉर्म कहां से भरना है और क्या मैं फॉर्म घर के नज़दीक से भर दूं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं इसके बारे में, तो आज का टॉपिक यही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक कि फॉर्म कहाँ से भरना है। सबसे पहले आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा है। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है तो आप कहीं से भी फॉर्म भरेंगे, आपका इजीली वहां से एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसका भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है तो अपने नज़दीकी बोर्ड से ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर एलपी की वैकेंसी आएगी इस साल या 2023 में, तो आप लोग वहीं से फॉर्म फिलअप करिएगा जहाँ से आपके घर का नज़दीक हो बोर्ड, ताकि आपको बाद में आपको कहीं म्यूचुअल लेकर जाना ना पड़े और इससे आपका सीनियरिटी लॉस भी ना हो। क्योंकि सीनियरिटी लॉस होने से आपको बहुत ही लॉस होना हो जाता है, क्योंकि आप अगर कहीं म्यूचुअल जाएंगे तो वहाँ पे आपका सीनियरिटी लॉस होकर के आप सीधा नीचे चले जाएंगे और आपका प्रमोशन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये लॉस हो जाता है। तो जिनके भी अच्छे प्रिपरेशन अगर हो जाएंगे, आपको लगे कि मेरे प्रिपरेशन हो गए, तो आप उसी बोर्ड से भरिएगा जहाँ आपका घर का नज़दीक बोर्ड हो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई लॉस ना हो। तो और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं दूर बोर्ड में भी अगर आपको भरना है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं। आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के इजीली जा सकते हैं, तो आप के पास ये भी ऑप्शन रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से भरेंगे, और फ्यूचर में अगर आपको घर जाना है तो आप म्यूचुअल लेकर के आराम से जा सकते हैं। चाहिए जानते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर म्यूचुअल लेना है, आप तभी म्यूचुअल ले सकते हैं जब आपका फाइनल पोस्टिंग हो जाए ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, और जिस भी लॉबी में आपका पोस्टिंग हो वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वर्क कर चुके हो कुछ दिन, एक महीने, तभी आप म्यूचुअल लगा सकते हैं फाइल। और आपका जो पार्टनर रहेगा, आपका सेम कैटेगरी का पार्टनर खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेम जॉब प्रोफेशन होना चाहिए। एलपी टू एलपी या एलपी टू सीनियर एलपी करवा सकते हैं, म्यूचुअल लेना पड़ेगा सेम कैटेगरी से जो जॉब करता हो। और इसमें एक बात और करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी म्यूचुअल लगाते हैं तो आपका जो पार्टनर है जिस भी बोर्ड में है वो आपका सेम कैटेगरी होना चाहिए। मीन्स आपका जैसे आप ओबीसी में बिलोंग्स करते हैं तो ओबीसी टू ओबीसी या ओबीसी टू जनरल से आप करवा सकते हैं म्यूचुअल, मगर ओबीसी टू एसटी या एससी से नहीं करवा सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपका एसटी वाले एसटी से करवा सकते हैं और एससी वाले एससी से करवा सकते हैं, तो म्यूचुअल फॉर्म लगाने से पहले ये सारे कंडीशन खुद से चेक करना पड़ता है कि आपको सेम कैटेगरी के बंदे मिल रहे हैं कि नहीं। ओबीसी वाले ओबीसी से करवा सकते हैं और ओबीसी वाले जनरल से भी करवा सकते हैं। फॉर्म लगाने के लिए लगाने के बाद आपको सिर्फ 3 महीने टाइम लगेंगे और आप अपने बोर्ड में इजली पहुंच जाएंगे। सपोज़ मैं आरआरबी चंडीगढ़ में हूं और मुझे जाना है चकलदरपुर डिवीज़न जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आती है, तो मैं वहां के बंदे से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा रहा हूं, तो मुझे 3 महीने टाइम लगेंगे पूरा फाइनल सबमिशन होने के बाद। और आपका यहाँ से सीधा आपको स्पेयर कर दिया जाएगा, अगर दोनों एनओसी अगर इधर उधर क्लियर हो जाती है तो आपको यहाँ से स्पेयर लेटर दे करके और आप फाइनल अपने डिवीज़न पहुँच जाएंगे जहाँ भी आप म्यूचुअल लगाए हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, और आप अपने घर इजली पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अभी आंसर मिल गया होगा कि आप फॉर्म कहीं से भी भर सकते हैं और अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और अगर आपको पार्टनर मिल जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए तो आप इजली अपने घर पहुँच सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही प्रोसेस होता है। तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से वहाँ के पहुँचाना है, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।